बनारस का गंगा घाट, यहाँ आइएगा अपना आध्यात्मिक पालू सिद्ध करने के लिए। मैं तो कहता हूँ भाइयों, जीवन में यहाँ हर दूसरे तीसरे साल आपको जरूर आना चाहिए। ये बनारस का जो घाट है ना, आने के बाद जो आत्मिक अनुभूति होती है, आत्मिक जो शांति मिलती है, वो तो आप यहाँ आने के बाद ही आप पता कर सकते हैं। यहाँ भिन्न भिन्न दिशाओं से, पूरे देश से लोग आते हैं आरती के समय। अब ये शाम की आरती का समय हो चुका है, अब आप देख सकते हो आरती सज रही है। ये गंगा आरती का दर्शन अभी हम लोग करेंगे। यहाँ पर जोधपुर से हम 15-16 जनों का एक जत्था आया है गुरुजी के सानिध्य में, गुरुजी सोहम चैतन्यपुरी जी महाराज के सानिध्य में हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। जगन्नाथ भगवान के दर्शन करते हुए आज वाराणसी, बनारस, काशी, ये तीनों एक ही स्थान के नाम कह सकते हैं हम। और ये है गंगा नदी। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार ये गंगा नदी नदी नहीं है, ये एक पवित्र बंधन है, आध्यात्मिक बंधन बोल सकते हैं। यहाँ पूरे विश्व से हिंदू धर्म के लोग अपना मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए, अपनी आत्म कल्याण करने के लिए यहाँ जरूर आते हैं। और जीवन में मैं तो कहता हूँ एक बार यहाँ जरूर आना चाहिए। और मजे की बात देखिए, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, इसी क्षेत्र से तीसरी दफा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। और यहाँ के लोग बड़े ही उत्सुक हैं उनको जीता के वापस तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखने के लिए। और मैं चाहता हूँ इस बार 400 पार का उनका जो नारा है वो माँ गंगा मैया भगवान विश्वनाथ जरूर पूरा करेंगे, जरूर पूरा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। मैं भागीरथ जांगीर भुड़ियाला, एक बीजेपी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, आज मेरे माता जी पिताजी के साथ यहाँ गंगा दर्शन के लिए आया हूँ। उनको गंगा स्नान किया है हमारे गुरु जी के सानिध्य में। मेरा यह दूसरी बार है, इससे पहले 2017 में मैं आया था, उस समय यहाँ का नज़ारा कुछ अलग था। और आज भाई नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ का नज़ारा भगवान विश्वनाथ की कृपा से बहुत अच्छा कर दिया है। आइएगा जरूर। धन्यवाद।